जो भी पूरा खबर कश्मीर से आ रहा है वो एक ही बात को दिखा रहा है कि सरकार ने, भारत सरकार ने कश्मीरियों को आज पूरी तरह से हमसे दूर कर दिया है। सरकार ने पहले 370 जो अगस्त 5 को हटाया वो इलीगल तरीके से हटाया, भारत के संविधान को का मजाक बना दिया, और दूसरा जिस तरह से उसके बाद लगातार 60 दिन तक आज कश्मीर को ब्लॉकेट करके रखा है। कश्मीर के अंदर जबरदस्त मिलिट्री का प्रेजेंस है, वहां पर कोई भी ना तो फोन कर सकता है किसी को, इंटरनेट कनेक्शन पूरी तरह से बंद है, कम्युनिकेशन चैनल्स पूरी तरह से खत्म है, और सरकार जो इस बात को कह रहा है कि सब कुछ वहां पर नॉर्मल है, तो सरकार वहां पर इंटरनेट को क्यों नहीं शुरू करता? हम लोग भी उनसे बात करके देखें कि चीजें नॉर्मल है या नहीं। जो सरकार संविधान का ही मजाक बना दे, 370 को हटा दे, जो एक ब्रिज था, जो कश्मीरी जनता के साथ हमारा एक ब्रिज था, हमने उनको प्रॉमिस किया था कि ये 370 है, हम आप यही हमारा एक हमारे साथ आपको जोड़ के रखा गया, आज आपने उस ब्रिज को तोड़ दिया, और अब आप कह रहे हैं कि हम पे भरोसा बनाए रखिए। आपने उन लोगों को आज पूरी तरह से, हर एक कश्मीरी के ऊपर वहां पर 24 मिलिट्री का आदमी तैनात है, कोई फ्री मूवमेंट वहां पर कर नहीं पा रहा, स्कूल वहां पर बंद है, हॉस्पिटल्स में वहां पर डॉक्टर्स को अरेस्ट किया जा रहा है, वहां पर जो मीडिया के लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को रिपोर्ट करने की आजादी नहीं है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक कैसे है कि छोटे छोटे बच्चों को जेलों में डाला जा रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे हैं, वहां पर महिलाएं इस बात को बोल रही है कि हमारे साथ बलात्कार हो रहे हैं, आप सब कुछ ठीक कैसे है? अगर सब कुछ ठीक होता तो आप तुरंत ब्लॉकेट को खत्म करिए, अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो तुरंत वहां पर फोन कॉल्स परमिट करिए, अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो इंटरनेट वहां पर चालू करवाइए। तो हम लोग भी देखते हैं कि अगर वो आज हमारे भारत का हिस्सा है तो उनको वो सारे अधिकार दीजिए जो हम लोगों को यहाँ पर मिलते हैं, और जो अगर आप इस चीज को नहीं करें तो आप ये बोलना बंद करिए, क्योंकि आप पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। और जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने भारत के ऊपर एक कॉलोनियल देश बनाकर यहाँ पर रखा था, उसके ऊपर कब्जा करके रखा था, आज आप हमारी भारत की मिलिट्री के साथ को यूज करके आप वही कश्मीरी आवाम के साथ कर रहे हैं, ताकि भारत के बाकी हिस्से के लोगों को, जो युवा आज यहाँ पर रोजगार मांग रहे हैं, जो भारत में मंदी का सामना कर रहे हैं, उसमें आपसे सवाल पूछ रहा, आप उनका मुंह बंद करके उनको 370 दिखा सके, सिर्फ आप यही चाहते हैं, और हम इस चीज को नहीं होने देंगे। ये जो पूरा ब्लॉकेट कर रखा है कश्मीर को, उसको सबसे पहले खत्म करे, तभी हमें मालूम पड़ पाएगा कि कश्मीरी आवाम एक्चुअल में क्या चाह रहा है। और मैं आपको इस बात को भी बता दूं कि जो भी सारे लोग वहां से होकर आ रहे हैं वो एक ही बात को बता रहे हैं कि कश्मीर के अंदर आज जनता के साथ टॉर्चर किया जा रहा है, जो किसी भी लोकतंत्र में अपने आप में गलत बात है, जो लोकतांत्रिक सारे मूलों के खिलाफ है। आज कश्मीर के अंदर छोटे छोटे बच्चों को उठा लिया जा रहा है, 8 साल 9 साल के बच्चे को जेल में बंद किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे हैं, पैलेट गन से इतने सारे लोग वहां इंजर्ड है, ये सारी खबरें बाहर आ रही है। लोग टॉर्चर, जो लिटरली किसी डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए, वो वहां पर किया जा रहा है। तो भारत सरकार क्या दिखाना चाहती है? भारत सरकार यही दिखाना चाह रही है कि वो भी ब्रिटिशर्स के हथकंडे अपना रहे हैं, ऑपोजिशन लीडर्स को आज जेल में बंद कर दिया है, जो ब्रिटिशर्स बिल्कुल भारत के साथ करते थे, भारत की आजादी के मूवमेंट में जितने लोग शामिल थे उनके साथ करते थे, आज कश्मीर के अंदर भी हमारी सरकार ने वही किया है। हम यहाँ पर आज सिर्फ एक बात कहने के लिए आए हैं कि ये जो पूरा 60 दिन के अंदर आपने कश्मीर के अंदर किया है उसको आप बंद करिए। भारत के अंदर आज भी अमन पसंद, लोकतांत्रिक पसंद लोग हैं जो आपके सरकार के, मोदी शाह के इस फैसले का विरोध करते हैं, और हम करते रहेंगे। देश की जनता तो के पास आप जाइए, देश की जनता आज कह रही है रोजगार का है, लेकिन ये सवाल तो नहीं दिखा रहा, वो बस झूठ बोल रहा है। आप किसी भी मीडिया चैनल, मेन स्ट्रीम जो टीवी में दिखाता है, वो सिर्फ झूठ बोल रहा है। किसी कश्मीरी से उसने बात किया, किसी कश्मीरी स्टूडेंट से यहाँ पर बात कर ले जिसने 60 दिनों तक अपने घर वालों से बात नहीं की, उससे पूछे कि क्या वो इस भारत के फैसले से खुश है, क्या अमित शाह नरेंद्र मोदी के फैसले से कश्मीरी आवाम खुश है, तो आप उनसे बात करने दीजिए ना, ये तो बिल्कुल झूठ है। यहाँ पर कौन लोग है जो खुश है? यहाँ पर जो लोग आए हैं तो प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं कि आज ये कश्मीरी कश्मीर के साथ हो सकता है। लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम यूनियन टेरिटरी नहीं बनना चाहते, हमारा एक पूरा स्टेट था, आपने हमसे स्टेटहुड छीन लिया, आज आपने कश्मीर के साथ किए, कल को आप दिल्ली के साथ कर सकते हैं, आप बिहार के 4 हिस्से कर सकते हैं, ये तो आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने संविधान को कुचल दिया है। मीडिया तो कोई सच्चाई दिखा नहीं रहा, मीडिया तो इस बात को भी नहीं दिखा रहा कि भारत में आज मंदी का दौर चल रहा है, मीडिया इस बात को भी नहीं दिखा रहा कि नौकरी नहीं है युवाओं के पास, तो मीडिया तो सब कुछ झूठ बोल रहा है। मीडिया पे भरोसा अब लोगों का खत्म हो जाएगा, और जब मीडिया लोगों की बात भी करने नहीं लगेगा तो लोग क्यों मीडिया को देखेंगे? लोग नहीं देखेंगे, और अभी ये समय भी आएगा, और कब तक झूठ बोला जाएगा? कब तक बालाकोट हो या कश्मीरी में 370 हो, उसको लेके देश की जनता को गुमराह करते रहेंगे। कभी ना कभी देश के अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि हमारे पास अपना पेट भरने के लिए जब पैसा नहीं है, अपना पाले जी का एक बिस्किट खरीदने के लिए आज लोगों के पास पैसा नहीं है, वहां पर 10,000 लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, आज इतने सारे टेक्सटाइल 3 लाख
तीन करोड़ से ज्यादा टेक्सटाइल मिल के अंदर लोग जो थे उनको आज बेरोजगार कर दिया गया। ये कॉन्ट्रडिक्शन तो समाज में है। कब तक आप 370 और कश्मीरियों के ऊपर हमला करके आप उनको चुप कराएंगे? लोग तो सवाल पूछना शुरू करेगा। ये तो झूठ बोल रहे हैं। वो जो पूरा हाउडी मोदी का पूरा इवेंट वहां पर नरेंद्र मोदी करके आए, उसको किसने वो इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था? तीन प्राइवेट कंपनीज ने उसको ऑर्गेनाइज किया था। और जो मीडिया वहां पर ये दिखा रहा है कि देखिए भारत की आवाम वहां पर बाहर जाके मोदी जी को कितना समर्थन मिल रहा है, वो बाहर का प्रोटेस्ट क्यों नहीं दिखा रहा? वहां पे उसी वेन्यू के बाहर जो 10,000 लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने जो कश्मीर में किया वो गलत किया, आप वो क्यों नहीं दिखा रहे? अब सिर्फ एक हिस्सा क्यों दिखा रहे हैं? और दूसरी बात, आपने ये बोल दिया कि यूएस के साथ आप फोटो खिंचा रहे हैं, आप जाकर ट्रंप सरकार का प्रचार करके आ रहे हैं, और आपने यूएस के साथ तो कोई ट्रेड डील साइन नहीं की। यूएस ने तो जाके पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील साइन किया। आप सच्चाई क्यों नहीं दिखा रहे? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो कब तक झूठ बेचेंगे? कभी ना कभी तो सच दिखाना पड़ेगा। कभी ना कभी लोग खुद सच देखने लगे। लोकतंत्र को खत्म करने का जिसने काम किया है वो इस सरकार ने किया है। आज देश के सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक प्रेशर के अंदर सरकार के काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन हो, जो पूरे इलेक्शन के टाइम में हम लोगों ने देखा, जिस इलेक्शन ऑफिसर ने कंप्लेन किया था, जिसने कहा था कि हम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट नहीं देंगे अपने सारे कम्युनल स्टेटमेंट्स पे, आज उसके घर में छापा पड़ गया है, उसके बेटे के ऊपर, उनकी वाइफ के ऊपर रेड पड़ गई है। आज ऑपोजिशन के नेता जो है जेल के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट कश्मीर के इतने बड़े मुद्दे के ऊपर आज फैसला करने से हिचकिचा रहा है। ये तो आपने लोकतंत्र का हाल किया है। किसी भी देश का लोकतंत्र उसकी इंस्टीट्यूशन से चलता है। अगर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो वो लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। और देश के अंदर जो सारी आवाम सवाल पूछती है आप उसको अरबन नक्सल करके जेल में बंद कर देते हैं। काले कानून में आप अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, काले कानूनों को आप और ज्यादा अपने आप को पावर दे रहे हैं कि आप किसी को भी जेल में बंद कर देंगे टेररिस्ट बोल के। कब तक लेकिन आप करेंगे? आप सत्ता में रहने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये सब चीजें तो कर लेंगे, भारत के लोकतंत्र को बर्बाद कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, लेकिन कब तक? क्योंकि ये बात तो हिस्ट्री कहता है, ये तो कि कभी ना कभी जनता तो सवाल पूछेगी, क्योंकि मूलभूत सवाल तो खत्म नहीं हो सकते। पार्ले जी का बिस्किट नहीं बिच रहा, ये तो सच्चाई है। कब तक 370 पे आप उनको चुप कराएंगे? कभी ना कभी तो वो बाहर आएगा, और जब आएगा तो आप संभाल नहीं पाएंगे। जब कश्मीर के अंदर मिलिट्री से आप वहां पर वो उसको आजाद करेंगे तो वो जो कश्मीरी आवाम का जो रुख होगा आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। ये आपने हालात कर दिए।